इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल प्लस टू लेवल का एग्जाम है, सीएचएसएल नाम से ही पता चलता है। वैकेंसी 2024 टोटल वैकेंसी जो है 3712 पद है कुल। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 ईयर जनरली बात कर लेते हैं, 18 से 27 ईयर आपका उम्र है और प्लस टू एग्जाम पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो हुआ वैकेंसी का डिटेल्स, अब जानते हैं आगे का प्रक्रिया। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट है 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 7/5/2024 लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट पे करने का लास्ट डेट कब तक है, 8 तारीख तक है, 8/5/2024 तक है। अब चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन करेक्शन का भी दिया है 10/5/2024 से 11/5/2024 तक। आप यदि कोई एप्लीकेशन भरने में मिस्टेक किए हैं तो उसको सही कर सकते हैं विथ, इसमें क्या है कुछ फी कटेगा, उस फी को दे के आप एप्लीकेशन को करेक्शन कर सकते हैं। टायर वन का एग्ज़ाम की बात करें सीबीटी एग्ज़ाम जून जुलाई 2024 में एज पर नोटिफिकेशन के अनुसार से हम बता रहे हैं। नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है टायर वन का एग्ज़ाम जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जून जुलाई 2024 में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टायर वन एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस का बात कर लेते हैं। टायर वन का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड उसका सिलेबस का बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले है निगेटिव मार्किंग है कितना 0.5 निगेटिव मार्किंग है। अब 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, टोटल टाइम जो होता है ये कितना दिया रहता है, एक घंटा का समय रहता है। 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, कुल 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है। 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, तो एक सेक्शन से 50 मार्क हो गया, दूसरा सेक्शन से 50 मार्क, तीसरा सेक्शन से 50 मार्क, चौथा सेक्शन से 50 मार्क। अब बात कर लेते हैं टायर टू एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं। सेक्शन वन में मॉड्यूल वन में जो होता है मैथमेटिक्स, ये इससे 30 क्वेश्चन रहता है, मैथमेटिक्स एबिलिटीज से 30 क्वेश्चन, एक घंटा का समय रहता है। मॉड्यूल टू में रीजनिंग एबिलिटी से एक घंटा का समय रहता है, 30 को क्वेश्चन रहता है, इसमें भी एक घंटा का आपको समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन हो गया 60 को, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, 180 मार्क हो गया, 2 घंटा का हो गया आपको सेक्शन वन का एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन टू का। सेक्शन टू में मॉड्यूल वन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसन 40 क्वेश्चन रहेगा, और मॉड्यूल वन में इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंसन, मॉड्यूल टू में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेगा, इससे इंग्लिश से 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल हो गया 60 क्वेश्चन 3 मार्क का, 180 मार्क, इसमें भी आपको 2 घंटा का समय रहेगा। ये तो हो गया पूरा डिटेल्स जो एसएससी ने जारी किया है। अब तैयारी आप अपने अनुसार से कैसे प्रिपेयर करते हैं उस अनुसार से कर सकते हैं। अब रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है 3712। आपको नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 3712? अब इसके लिए आप फाइट कर सकते हैं ऑल इंडिया में।
एसएससी ने जारी किया है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी, इतना वैकेंसी तो किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आपको दिख जाएगा। इस पर ऑल इंडिया फाइट है। एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी 2024 टोटल वैकेंसी है 3712। अब सोच सकते हैं कंपटीशन लेवल कितना हाई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।